जैसे किसी के फिर नहीं देश अंदर सब काम है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, और मैं वीडियो को प्रथम सब देना मत भूलिएगा, और मैं वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जो आज हम करने आ रहे हैं वो है फोटोशूट आइडिया का डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स मैंने कैसे पूछे होंगे, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, फिर स्क्रीन शॉट आप देख लेंगे जो कलर होगा उससे आने से पहले। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो पहला कलर है वो है रेड कलर, जो आप स्क्रीनशॉट देख लेंगे मेरे के फ्रेंड ने, पर फ्रेंड का नाम नहीं आया, उन्होंने वो अलग पार्ट ब्लर कर दिया है, बस आपको नाम नहीं दिखेगा रेड ब्लू ग्रीन जो भी होगा। तो मैंने अपने हर एक जो भी मैंने कलर चूज़ किया उसमें एक ना एक प्रॉप यूज़ किया है। तो मैं ब्लू प्रॉप वो मतलब स्टूल का यूज़ किया है, तो आप फोटोज़ में देख लेंगे और एक क्लिप भी होगी उसमें भी आप देख ही लेंगे। और फिर जो रेड पार्ट के अलावा जो भी पोर्शन था वो तो फिर मैंने एडिट करके कर लिया है सेम। सो लेट्स स्टार्ट द फोटोशूट। हमारा जो सेकंड फोटोशूट है वो है कौन से कलर के साथ हो सकता है पता है, वो है पर्पल कलर के साथ। पर्पल कलर में मैंने पर्पल ड्रेस करने की कोशिश की, तो मैंने ऊपर का तो पर्पल था पर नीचे का पर्पल नहीं हो पाया, बैकग्राउंड हाफ पर्पल है हाफ वाइट है, आप फोटोज में देख लेंगे। और जो पर्पल था उसमें मैंने अपना प्रॉप रख लिया है, और जो वाइट था उसमें मैंने अपना पर्पल ड्रेस वियर करके खड़ा हो गया, वो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। सो लेट्स हैव द फोटोशूट। जो हमारा थर्ड फोटो शूट है उसमें मैंने मदद ली है ग्रीन कलर की, स्क्रीनशॉट आप देख ही रहे होंगे ना। तो थर्ड में मैंने ग्रीन लिया है, मैंने ग्रीन क्या मुझे मिला है ग्रीन कलर के कपड़े ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हो गया, ग्रीन कलर के मेरे पास तो थे ही नहीं, तो मैंने मेरे पापा भैया के कलेक्ट करके फिर एक कॉम्बिनेशन बनाया, उसमें शायद मेरा कुछ नहीं उसमें मेरी शर्ट से ले हाँ, पर मेरी जो अंदर वाइट कलर की है शर्ट पहनी है वो मेरी है। और सब तो फिर मैंने ढूंढ ढांड की पहना है, तो ग्रीन कलर मुझे मेरी पूरी कलेक्शन में ही नहीं है ग्रीन कलर, एक थी वो भी मान लो छोटी हो गई तो फिर वो भी गई। तो सो लेट्स स्टार्ट द फोटोशूट। इसमें मैंने दो तीन प्रॉप यूज़ किए हैं, इसमें सबसे पहले तो मैं मेरे घर में तो प्लांट्स हैं तो मैं अपने प्लांट्स रख ही लूँगा ग्रीन कलर की। सेकंड में मैंने उसकी ड्रिल मशीन वो ग्रीन कलर था उसका थोड़ा बहुत, और थर्ड में नहीं इतने ही दो ही हैं वो भी सॉरी थर्ड थ्री बोलने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द फोटोशूट। फोर्थ फोटो शूट है वो है ब्लू कलर के साथ, हमने पीछे भी ब्लू देखा, मुझे ब्लू कलर वाले की फोटो इतनी अच्छी लगी है, उसकी अच्छी आई भी है, एक ब्लू और एक फिर मतलब मैं खुद रैंकिंग दे रहा हूँ ब्लू रेड फिर पर्पल फिर ग्रीन, ग्रीन इज लास्ट मानो उसमें मेरे चेहरे को क्या हो गया था, उसमें एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा था। सो कॉल पर मैंने आपको फोटोज दिखा ही दी हैं, पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपना फेवरेट कलर और मेरे कलर्स को रैंक भी कर दे सकते हैं आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट द फोटोशूट।
आई वुड बी लाइक ऑल द फोटोज ऑफ दिस फोटोशूट एंड ऑल्सो दिस वीडियो। तो मैं आपको एक चीज़ पहले बताना भूल गया था, वो अब मैं बता रहा हूँ कि मैं कॉपीराइट क्लेम जानता हूँ क्या होता है। मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने मुझे मेरी एक वीडियो का कॉपीराइट क्लेम आया है, तो मैं जानता था कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। तो मैंने ना गौर नहीं किया पहले वाली अपनी वीडियोज पर, तो फिर मैं सिर्फ जाके एनालिटिक्स ही चेक करता था और कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ एनालिटिक्स ही चेक करता था। तो जब उसने बोली तो फिर मैंने सोचा मैं भी अपनी वीडियो को एक बार देख लेता हूँ कि मेरे को से कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं, तो मुझे क्या पता चलता है मेरी सारी वीडियोस को कॉपीराइट क्लेम है। वो किसकी वजह से था? आप मेरी सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं, उसमें एक सॉन्ग है, उसकी वजह से मेरी सारी वीडियोस को कॉपीराइट क्लेम था, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ में ऐड था। तो अब उन सबके कॉपीराइट क्लेम हटा दिए हैं उस पार्ट को ट्रिम करके, पर वो वाला सॉन्ग क्योंकि मेरा सॉन्ग रिप्लेस ही नहीं हो रहा था किसी वजह से, तो और सारी वीडियोस में वो वाला पार्ट ट्रिम है। और अब तो फिर वो न्यू सॉन्ग मैंने अटैच कर दिया उस वीडियो में, पर उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आ रहा है। थैंक यू गॉड। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।